देहरादून पुलिस अब स्टंट दिखाते और तेज रफ्तार से बाइक चलाकर वीडियो बनाते रईस से जादुओं पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने एक महंगी बाइक को सीज कर लगभग 3 लाख का चालान किया है। बता दें कि तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए वीडियो बनाकर आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक पर कार्रवाई की। वहीं यातायात पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने कहा कि तेज रफ्तार के शौकीन लोग अक्सर महंगी बाइक रखना पसंद करते हैं और कई बार चालान होने के बावजूद भी इन रईस जादों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अब पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाते हुए इन पर चालानी कार्रवाई करेगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कि जो रैश ड्राइविंग में हम YouTube वगैरह पे देखते हैं, इसमें लगभग 20 लाख 25 लाख की बाइक रहती है, तो 1000-2000 के चालान से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी में हम कुछ लीगल बेसिस ढूंढ रहे थे जिसमें हम सख्त कार्रवाई कर सके, तो दो अच्छे ऑप्शन हमारे पास आए। जो हमने कल कार्रवाई की थी वो 107-16 जो हम CRPC के तहत बाउंड डाउन की कार्रवाई करती है वो हमने शुरू की है। तो सोशल मीडिया यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा लगभग 12 लोगों को हमने फर्स्ट स्टेज में एक हफ्ते में चिन्हित किया, जिनके द्वारा ऐसी रैश ड्राइविंग करके वीडियो बनाए जाते हैं। उनको हम 6 महीने के लिए बाउंड डाउन करेंगे शांति बनाए रखने के लिए, और वो लगभग 3 लाख रुपए तक का वो बॉन्ड होगा।